काफ़ी अच्छा खासा झटका लगा जी, क्योंकि करंट था उसकी। इतना ज़्यादा पानी नहीं खड़ा हुआ, मैं सोच रहा था शायद आगे से बंद हो गया हो पाइप तो पानी खड़ा हो गया हो, लेकिन बच्चे थी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, के हाल चाल सब दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के ज़माने में तो नाज़ में आज का ब्लॉग करते हैं कि अभी से शुरू, और अभी 11:30 का टाइम हो गया और सारी मतलब रात भी बारिश होती रही है और सुबह भी मतलब अभी भी हल्की हल्की जो ना बूंदें आ रही हैं, सूरज का कहीं नामो निशान भी नहीं है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया जी माशाल्लाह। और कल भी बारिश हुई है और आज रात भी बारिश हुई है जी, और अभी पानी फुल हो गया मतलब खेतों में, सब लोगों ने वो धान की फसल काश्त करना स्टार्ट कर दिया। ओ वाह, यहाँ तक तो पानी फुल भर गया है। यहाँ से मिट्टी उठाई गई थी, अभी ये रही पुली, यहाँ पर पानी गुजरना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उस साइड से ऊंची है जी। ये रास्ता तो सारा ही बिल्कुल ख़राब हो गया जी, जाने के काबिल नहीं रहा, हम जाएंगे यहाँ से। और अभी मतलब इतनी गर्मी के बाद जब ऐसा मौसम मिले ना तो मज़ा आ जाता है जी, देख के स्लिप नहीं होना बस। अभी जी ये नायलन की चप्पल मैं लेके आया था घर से, इसे उतार देंगे यहाँ कमाद के अंदर। अभी चलेंगे जी रोही को, बिल्कुल रेडी हूँ। थोड़ी थोड़ी मैंने शलवार ऊंची कर ली है, ये देखें कमाद। तकरीबन 3 हफ्ते बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि जब से कराची से वापस आया हूँ ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। वैसे बस एक छोटा सा मसला हो गया था चैनल के ऊपर, तो उसी को बस सॉल्व करने में लगे हुए थे। यहाँ से गुजर कर जाना भी कोई आसान काम नहीं है, मतलब बहुत स्लिप हो रहा है जी। मैं क्या वेख के आइए बाहर बने की कुछ आओ, सारा प्या खराब हो गया है। अच्छा अच्छा पानी बहुत हो गया, वो जीरियां वैसे पहले दी लग गई ने ना, वो हूँ मतलब कैम हो गई होनी ने लगी जी। आ वाला लगा है यार, वो तो सही हो गई ने, दूसरिया के लोगों ने हूं लग। मैं थोड़ा जगू फिर के आवा, चले जी अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल बनी हुई है। अभी एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जब भी बारिशों के मौसम में चले ना मतलब इस तरह बनने के ऊपर ऊपर, तो सांप वगैरह मतलब उनकी बिल के अंदर पानी चला जाता है और सारे सांप मतलब ऐसी ऊंची ऊंची जगह पे आ जाते हैं, फिर तो ये बहुत ध्यान से मतलब चलना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ ये कासम, उन्होंने जो मतलब इस दफ़ा हमारे वाले खेत भी उनके पास ही है ना, तो उन्होंने पहले से लगा लिए थे ये मतलब कितनी बेहतरीन हो गई है, जो एक हफ्ता सिर्फ पहले लगी है, ज़्यादा देर नहीं। ये अभी जो लगा रही है पानी ज़्यादा है, फिर क्या हालत हो गया है देखें, मतलब ये जो पहले थी ना ये खड़ी हो गई है, तो ये कितनी बेहतरीन है जी। ये इस दफ़ा कासिम उन्होंने लगाई है, पिछली दफ़ा हमने लगाई। अच्छा ये देखें जी पानी है, सारे सारे खेतों में पानी हो गया, वाह। पंप खोल दिया, नहीं तो पंप के ऊपर मतलब पानी आ जाना था। हमजा का पंप ऊंचा है, इसे कोई मसला नहीं है। कासिम का पंप भी वैसे तो ऊंचा ही है, लेकिन फिर भी खोल लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ये रहा हमारे वाला कासिम का ही है जी। ओए होए 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 होए, इसके अंदर ये धान के उन्होंने फसल मतलब लगाई हुई है, जो पनीरी है ना ये लगा के गए हैं, मतलब पानी इतना हो गया कि सारी डूब गई है। अभी मैं इसके अंदर ये देखें वो मेरे सारे गंदे हो गए, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा पानी है जी, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सारी डूब गई है। चलें जी
अभी आगे नहीं मैं जा रहा, चलते हैं वापस। मतलब वैसे जितनी बारिश हुई है ना मज़ा आ गया जी, सब लोग भी खुश हैं कि सब लोग मतलब वो काश्त कर लेंगे इस दफ़ा धान की फसल। पहले तो लोग परेशान हो गए थे कि मतलब बारिश ही नहीं हो रही कोई फसल। अभी कुछ हालत इस तरह की है, तो ये देखें ये बनना है और उसके ऊपर भी इतना पानी हो गया। चीज़ आपको दिखाऊँ, ये है जी गंडोया। हम इसके साथ मतलब ये बारिशों के मौसम में अक्सर निकलते हैं, इसके साथ ना बहुत सी मछलियाँ पकड़ियाँ हमने। ये देखें तो कुंडी के साथ इसको लगा के ना तो बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। मुंडे से लाई ए मेरे को सही नहीं लगी, चंगा बंदा तू। अभी चलता हूँ जी घर वापस जा रहे हैं। ये लेने आए हैं वो तो सारा पानी में डूबे हुए हैं। मुझे कह रहे थे भाई अब यहाँ बंदा क्या करे, मतलब सारे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, ना बंदा पानी निकाल सकता, क्योंकि इस तरफ निकल तो सकता लेकिन इन्होंने भी चारा कास्ट किया हुआ है। अब जल्दी से अपना जूता वहाँ से लेते हैं और जाके पाँव धो के ना। चलो भाई ये तो शॉर्ट है, उसमें करंट आ रहा है क्योंकि वो सारा गीला हो गया है, तो यहाँ पे धोएंगे जी। नहीं जी अभी हाथ धो लिए, पाँव भी धो लिए और कपड़े जहाँ जहाँ से मतलब गंदे हुए थे ना वहाँ वहाँ से धो लिए, तो लेट्स गो अभी चलते हैं जी वापस। वैसे काफ़ी अच्छा खासा झटका लगा जी, क्योंकि करंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब गीला हो गया था। मेरे भी जहन ने काम नहीं किया कि बारिश के पानी की वजह से करंट आना आ गया होगा, तो मतलब वो फिर भी मतलब एक थोड़ा सा महसूस होता है जी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कुछ ज़्यादा नहीं मतलब लगा। वो भी सुफियान चला गया होगा दुकान पर।